फेलाइन क्लब ऑफ इंडियाच्या वतीने नवी मुंबईमध्ये प्रथमच आशिया खंडातील कॅट शो संपन्न। या कॅट शोमध्ये आशिया खंडातील विविध प्रजातींच्या जवळपास 300 ते 350 मांजरी उपलब्ध होत्या। फेलाइन क्लब ऑफ इंडियाच्या वतीने नवी मुंबईमध्ये प्रथमच आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या कॅट शोचे आयोजन यशस्वीपणे करण्यात आले। या कॅट शोमध्ये आलेल्या नागरिकांना आशिया खंडातील विविध प्रजातीच्या मांजरांना पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली। तसेच या ठिकाणी मांजरींना दत्तक देखील घेण्याची व्यवस्था आयोजकांतर्फे करण्यात आली होती। या शो मध्ये आशिया खंडातील विविध प्रजातीच्या जवळपास 300 ते 350 मांजरी उपलब्ध होत्या। सर सबसे पहले धन्यवाद और फिलाइन क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ सिडको एग्जिबिशन सेंटर वाशी में एशिया का सबसे बड़ा कैट शो होस्ट किया गया है, जिसके अंदर करीबन 450 कैट्स पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें करीबन 12 प्रजाति के कैट्स पूरे हिंदुस्तान से पार्टिसिपेट किए गए, जिसमें जो हमारी भारतीय कैट जो कि IndianMau उसने भी एक स्पेशल कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है। कैट शो के साथ साथ हमने यहाँ काफ़ी सारे फन एक्टिविटी एरियाज़ और फन जोन्स हम लोगों ने किए। इसके साथ हमारे इधर एक NGO का एडॉप्शन एरिया भी था कि कैट्स को आपको नए सिर्फ खरीद नहीं सकते, लेकिन ये बेजुबान जानवर को आप अपने घर पे भी लेके जा सकते हैं जिनका कोई घर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इधर हुई। करीबन 8000 लोग सुबह से अब तक हमारे पास में आ चुके हैं और हमारे पास में 3 इंटरनेशनल जजेस थे जिन्होंने ये कैट शो जज किया। सो इस तरीके से हमने ये इवेंट आज सिडको एग्जिबिशन सेंटर में होस्ट किया। सो मेरी कैट जो है बेसिकली मेरी कैट का बेबी ही है, तो हमने कहीं से बाय नहीं किया है और मतलब दूसरे का भी अडॉप्ट नहीं किया है। एंड आई फील दैट आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको जो है हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो अगर कोई भी जैसे बहुत से लोग जो परचेज करते हैं और फिर रोड पे छोड़ देते हैं, आई थिंक वो सही नहीं है। तो अगर कोई होमलेस एनिमल अगर सिर्फ ब्रीड भी और जो नॉर्मल स्ट्रीट एनिमल अगर आपको रोड पर दिखे, आप उसे प्लीज़ ला कर एक होम दे दीजिए। और आई एम सो हैप्पी टू सी दिस शो। ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी।